issue of debentures. ये टॉपिक बेटा एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के अंदर आएगा, जो इसका क्वेश्चन होगा आपके पास. सबसे पहले हमें शेयर वर्सेस डिबेंचर का डिफरेंस पता है? कोई ऐसा बच्चा जिसे शेयर वर्सेस डिबेंचर का डिफरेंस ना पता हो? शेयर्स जो होते हैं वो प्रोप्राइटरी होते हैं, बेसिकली ओनरशिप से रिलेटेड होते हैं. वेयर एज जो डिबेंचर्स होते हैं वो फॉर्म ऑफ लोन होते हैं. शेयर्स के ऊपर मिलता है डिविडेंड और डिबेंचर्स पे होता है इंटरेस्ट. अब टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर. इशू का मतलब होता है बेचना. तो हम डिबेंचर बेच रहे हैं. डिबेंचर है एक पीस ऑफ पेपर या फिर एक प्रूफ है जो आप किसी को दे रहे हो. सो इशू ऑफ डिबेंचर का बेसिक मीनिंग हो जाता है डिबेंचर बेचना, यानी के लोन लेना. इश्यू ऑफ डिबेंचर का मतलब हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं और बदले में, जैसे सपोज ये कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, ये कुछ लोग हैं, इन लोगों ने इस कंपनी को से 50 लाख रुपए लोन दिया. बदले में क्या कंपनी इनको कोई प्रूफ पे कुछ चीज देगी या नहीं, जिसपे कंपनी के स्टैंप वगैरह हो, वो सारी चीज. तो जो वो पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर कंपनी कहती है कि वी एक्नॉलेज दैट वी हैव टेकन अ लोन ऑफ दिस अमाउंट फ्रॉम यू, जो भी है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन टेकन, जो ये चीज है इसी को बोला जाता है डिबेंचर. अब कंपनी जो है इशू कर रही है डिबेंचर, दैट मींस वो डिबेंचर बेच रही है, इसका मतलब हो गया वो लोन ले रही है. एक टॉपिक और होता है जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. ये टॉपिक इस साल के लिए आप लोगों के सिलेबस से कट गया है. रिडेम्पशन करने का मतलब होता है आप अपने डिबेंचर्स जो है वो वापस ले रहे हो या खरीद रहे हो, बाय बैक कर रहे हो, ऐसे कह सकते हैं. इसका मतलब है कि आप उनका जो लोन है वो रीपे कर रहे हो. ये वाला सिलेबस से कट गए, आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स है. अब डिबेंचर जो है वो इशू कैसे होते हैं, वो शेयर की ही तरह 2 तरीके से हो सकते हैं. इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो 2 तरीके से हो सकता है. पहला हो गया लमसम पेमेंट के अगेंस्ट, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में. से एक डिबेंचर है 100 रुपए का, आपने 100 रुपए में लमसम पेमेंट में किया तो वो सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट बनेगी, दैट मींस नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज 2 होंगी. अगर आपने 4 इंस्टॉलमेंट बनाई या 3 बनाई से 30, 40, 30, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट है इसे बोला जाता है डिबेंचर एप्लीकेशन, दूसरे वाली हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और लास्ट हो जाएगी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो जैसा शेयर्स के अंदर होता था वैसा ही सेम एज इट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी होगा. इसके अलावा एक डिबेंचर जो होते हैं वो 3 अलग अलग प्राइस पे इशू किए जा सकते हैं.
जैसे कि जो हमारे शेयर्स थे वो दो तरीके से इशू होते थे, या तो पार पे होते थे या प्रीमियम पे। बट अगर एक डिबेंचर है 100 रुपए का, अ डिबेंचर ऑफ ₹100 कैन बी इशूड फॉर से ₹100, ₹120, ₹90। तो जब 100 रुपए में इशू हुआ तो वो हो जाता है एट पार, 120 में हुआ तो वो हो जाता है एट प्रीमियम, और अगर 90 रुपए में हुआ तो वो हो जाता है एट डिस्काउंट। आप लोगों को अगर याद हो, इश्यू ऑफ शेयर्स में इनिशियल बेसिक केसेस में मैंने आपको ये तीनों केसेस करवाए थे। वो इसलिए करवाए थे ताकि यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े और वो जल्दी से जल्दी हो जाए। करें क्वेश्चन स्टार्ट। इसके अंदर कोई कॉलिन एरियर्स नहीं आएगा, कोई फोर फीचर नहीं है, कोई री इशू नहीं है, सिर्फ बेसिक केसेस जो हैं वो सारे होते हैं। तो जैसे कि सपोज, अभी पहले हम लमसम का केस करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है दैट एक्स लिमिटेड कंपनी इशूड 50,000 3% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट, या एट में लिखते हैं, फॉर लमसम पेमेंट केस वन एट पार। अगर हमने पार पे इशू किया होगा, सबसे पहले अगर लमसम में हो रहा है तो जर्नल एंट्री सिर्फ दो हो सकती है। पहली जर्नल एंट्री क्या होती है, अगर सबको शेयर्स वाली याद है तो आप में से कोई भी एक बता सकता है। सब बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ जी, तो जब लमसम होता था तो हमारी जो इकलौती इंस्टॉलमेंट होती थी उसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोला जाता था। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, कितना अमाउंट हो गया, 5 लाख रुपए। दूसरी जर्नल एंट्री हो जाती थी, वहां पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, तो यहाँ पे हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। वहां पे लिखा जाता था टू शेयर कैपिटल, यहां पे हम हमेशा लिखते हैं 2% डिबेंचर। हर डिबेंचर के आगे कोई ना कोई परसेंटेज अमाउंट होगा, अगर नहीं दिया तो सिंपल, बट जैसे हमारे क्वेश्चन में है 3%, तो हम इसके आगे लिखेंगे 3%। जो ये 3% है, ये इन डिबेंचर्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिग्निफाई करता है कि इन डिबेंचर्स पे कितने रुपए साल का इंटरेस्ट जाएगा। तो हमें 3% देना होगा, 5 लाख, 5 लाख। किसी को कोई डाउट बेटा एट पार के अंदर? सेकेंड है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, या 2 पर डिबेंचर। अब सॉल्यूशन कैसा होगा? पहली जर्नल एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने रुपए आएंगे अब हमारे पास? 50,000 डिबेंचर्स पे 10+2 यानी 12 रुपए, हमारे पास आ गए 6 लाख रुपए। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 3% डिबेंचर अकाउंट, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमारे लिए है प्रीमियम, तो टू SPR अकाउंट। टोटल 6 लाख में से हमने डिबेंचर बेचे हैं 5 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए हमारे लिए है SPR। किसी को कोई डाउट इस केस के अंदर बेटा?
दिवांश, हिमांशु, साहिल, श्रेया, सोहा। सर, हाँ जी, हम डिबेंचर्स को इशू करते टाइम भी हमें प्रीमियम कैसे मिल सकता है? आपने बेटा एक डिबेंचर 10 रुपए का है, आपने 12 में बेचा है। ऐसा होता है जब आपकी कंपनी की बहुत ज्यादा रेपुटेशन है तो लोग जो है, आप लोगों को लोन कितने रुपए का दे रहे हैं? 5 लाख रुपए का। बट उसके लिए वो पेमेंट 6 लाख भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो आप इंटरेस्ट वगैरह दोगे वो सारा मे भी ज्यादा हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर वो ये चीज कंसिडर हो जाती है। ओके सर। ठीक है सर, ये 6 लाख कैसे आया? 50,000 डिबेंचर बेचे थे बेटा हमने, 10 + 2 = 12 रुपए में। ओके सर, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है, पार में भी हो गया, प्रीमियम में भी। अब डिस्काउंट आप लोग खुद ट्राई करो एक बारी, एंड देन मुझे आंसर बताओ आप लोगों का क्या आ रहा है। एट अ डिस्काउंट ऑफ से ₹1 पर डिबेंचर, हमेशा याद रखना जो डिस्काउंट होते हैं या प्रीमियम होते हैं वो उन एंट्रीज में आते हैं पेयर में से जिनके अंदर शेयर कैपिटल का नाम होता है। ये मैंने आप लोगों को चैप्टर शेयर्स के टाइम पे बताया था। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल के लिए जो टर्म यूज होती है वो डिबेंचर कैपिटल नहीं है, वो परसेंटेज डिबेंचर है। तो जिस एंट्री में परसेंटेज डिबेंचर लिखा हो उसी एंट्री के अंदर SPR आएगा या डिस्काउंट का नाम आता है। बैंक वाली एंट्रीज के अंदर डिस्काउंट प्रीमियम नहीं दिखाते, उनमें एरियर्स दिखाते हैं हमेशा। अब इस केस का सॉल्यूशन मुझे कौन बताना चाहता है? साहिल ट्राई करेगा बेटा? हाँ सर, ठीक है। बताओ बेटा पहली एंट्री क्या होगी यहाँ पे? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने रुपए आएंगे हमारे पास? 4,50,000। सेकंड जर्नल एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिस्काउंट और वो 2-3% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट जो है 50,000 रुपए का, उससे आप लिख सकते हो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, 2-3% डिबेंचर्स अकाउंट। ये हो गया आपका लमसम के अंदर तीनों के तीनों बेसिक केसेस। इंस्टॉलमेंट्स में करवाने की जरूरत है या नहीं? हो जाएंगे, हो जाएगा सर। चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ टू बी ऑन अ सेफर साइड, और फिर जो है उसके बाद हम सीधा आगे बढ़ेंगे। सेकेंड केस है हमारा, यह सेकेंड टाइप है इस चैप्टर के अंदर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट्स में। क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड कंपनी issued 30,000 5% debentures of ₹10 each payable as 3-4-3 case 1 at par, case 2 at a premium of 10%, 3 discount of 20% per debenture। जल्दी जल्दी ट्राई करो, टोटल 6 जर्नल एंट्रीज होंगी तीनों केसेस में, जिसमें से जो चेंज आएगा
वो आएगा कौन सी एंट्री के अंदर? कौन सी एंट्री में वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी सब सेम रहेगा? डिबेंचर वाली। डिबेंचर वाली, डिबेंचर वाली सारी है बेटा, जिसमें परसेंटेज डिबेंचर आएगा। ओके, गलत जवाब है। इसके अलावा एंट्री नंबर 3 और 4 जो अलॉटमेंट वाली होंगी उनके अंदर वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी सारी सेम रहेंगी। आप चेक करना एप्लीकेशन की, दोनों सेम रहेंगी, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो है वो तीनों केसेस में सेम रहेंगी। जो चेंजेस आएंगे वो अलॉटमेंट वाली जो पेयर है हमारा, थर्ड और फोर्थ एंट्री, उसके अंदर वैल्यूज चेंज होंगी। बस ट्राई करो, आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट है। सर एक बार प्रीमियम और थर्ड एंट्री बताना।
प्रीमियम के अंदर क्या बताना है बेटा मुझे? तो ये जो आपने थर्ड एंट्री करी है उसमें 150 अमाउंट कैसे आया? ठीक है, तीन चार और तीन, अगर आप 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू, 10% के प्रीमियम पे कर रहे हो, यानी 1 रुपए का प्रीमियम ऐड होगा। हमें पता है कि कॉल का अमाउंट होता है जो परसेंटेज डिबेंचर का अमाउंट होगा वो प्लस प्रीमियम का। कॉल का अमाउंट आना चाहिए टोटल 11 रुपए, विच मस्ट बी 10+1। हमें गिवन है 3, 4 और 3, टोटल आ रहा है 10, यानी ये परसेंटेज डिबेंचर है। कुछ नहीं बताया तो अलॉटमेंट में ऐड होता है, सो 3, 5 और 3। अब 30,000 डिबेंचर्स पे 5 रुपए अगर आप कॉल कर रहे हो तो 1.5 लाख आ गया अलॉटमेंट के अंदर, जिसमें से 4 रुपए कैपिटल है और 1 रुपया जो है वो एसपीआर हो जाएगा। Okay, sir. As it is, share वाला टॉपिक जो है उसे आप कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, बट सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है जर्नल एंट्रीज में। अमाउंट की कैलकुलेशन सब कुछ सेम रहेंगी जैसी शेयर्स के अंदर थी वैसे। हो गए तीनों केसेस सॉल्व? यस सर। अब यही अगर इसमें एंटर सब्सक्रिप्शन आ जाए, 30,000 की एप्लीकेशंस इनवाइट की थी हमने, एप्लीकेशंस आई हैं 20,000 की, तो सारी जर्नल एंट्री 20 से हो जाएंगी। अगर से 40,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही है तो या तो 10,000 रिफंड हो रहे होंगे या फिर प्रोराटा हो रहा होगा, बट कॉल इन एरियर्स नहीं है और कुछ नहीं है। तो बेसिक केसेस आप लोगों को आते हैं, अगर कहते हो कि प्रैक्टिस करनी है तो मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पे जंप करूं। बोलो सुबह बेटा, करनी है प्रैक्टिस से आगे बढ़ सकते हैं सीधा? सब बढ़ सकते। ठीक है, देवांश को कोई डाउट हो या श्रेया को कोई डाउट हो? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भी इनफैक्ट आप लोगों को आता है। वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो जिनको इशू ऑफ शेयर्स आता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उन्हें इशू ऑफ डिबेंचर्स अपने आप आता है। इसके अंदर भी वही मेन दो टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1, एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड कंपनी फॉर रुपीज 1,20,000 एंड इशूड 7% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, केस नंबर 1 इसमें एट पार। तो देखो, पार हो या प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, पहली जर्नल एंट्री तो कॉमन रहेगी जो हमारी है, वो है परचेज करने की। परचेज करने की एंट्री होती है सेंडरी असेट्स टू वेंडर, वेंडर का नाम है यहाँ पे वाई लिमिटेड। हमने 1,20,000 रुपए की टोटल असेट्स परचेज की है। अगर पार पे हो रहा है तो वाई लिमिटेड टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट, ये हो जाएगा 1,20,000। इसमें केस 2, एट अ प्रीमियम
₹2 पर डिबेंचर। फर्स्ट एंट्री अगेन हमारी सेम है, बट जब भी क्वेश्चन में आता है, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी पार पे इशू ना हो तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना होता है, वो होता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स टू बी इशूड। वो किसके इक्वल होता है? अमाउंट पे एबल टू वेंडर ओवर इशू प्राइस पर डिबेंचर हो जाएगा। यहाँ पे हमने टोटल रुपए देने हैं वाई लिमिटेड को 1,20,000। एक डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 10+2 यानी 12 रुपए में, यानी हमने कितने डिबेंचर इशू किए? 10,000 डिबेंचर्स। एक चीज ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पे इसके आगे शेयर्स या डिबेंचर नहीं लिखते, 10,000 लिख देते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रुपीज है या क्या है। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर्स इशू करने की, तो ये 10,000 डिबेंचर हमने इशू किए हैं इस केस में। सॉल्यूशन में वाई लिमिटेड जो है उसको हमने देने थे 1,20,000, हमने उसको 7% डिबेंचर्स दिए हैं टोटल 10,000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर का ओरिजिनल प्राइस है 10 यानी 1,00,000, तो जो बाकी का अमाउंट है 20,000 वो हमारे लिए हो जाता है एसपीआर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? ₹1,00,000 के हमने डिबेंचर इशू किया, जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो हमारे लिए एसपीआर हो गया। अब अगर हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं 20% यानी 2 रुपए, तो हमने 8 रुपए के अंदर उन्हें एक डिबेंचर बेचा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 15,000 डिबेंचर्स। तो सेकंड जर्नल एंट्री में वाई लिमिटेड डेबिट हो गई 1,20,000 से, हम बेच रहे हैं 15,000 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर का प्राइस है 10 रुपए, यानी हमारे पास से डिबेंचर्स गए टोटल 1,50,000 रुपए के, तो 30,000 रुपए जो डेबिट हो जाएंगे वो हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये आपकी टाइप 1 थी, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। किसी को कोई डाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? साहिल आपको बेटा? नो सर। एज इट इज ये टॉपिक कॉपी पेस्ट है शेयर्स का, जो भी हम आज करेंगे। सेकेंड आपके पास टाइप आती है इसके अंदर, that X Limited bought following assets and liabilities from Y Limited and issued 10,000 8% debentures of ₹10 each। इसके अंदर आपके पास फर्दर दो टाइप्स थी। पहली सेंट्री डेटर्स हैं 20,000 के, लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000, प्लांट एंड मशीनरी है 40,000, और बैंक में आपके पास आ रहे हैं 20,000, क्रेडिटर्स आ रहे हैं 50, 40, 90, 130, 20,000। ट्राई करना बेटा जर्नल एंट्रीज पहले केस की।
ये दो केसेस हैं अगर फॉलोइंग असेट्स और लायबिलिटीज परचेज की जाए। कोई है जिसे नहीं आती ये चीज तो बेटा मैं करवा दूं सीधा। या आप लोग ट्राई कर लो, आपके पास 3 मिनट 4 मिनट है, देन हम आगे बढ़ते हैं। डन सो। फर्स्ट केस में बेटा जितनी भी असेट्स हैं सबसे पहले डेबिट हो जाएंगी 20,000 से। लैंड और बिल्डिंग डेबिट हो रहा है 50,000। प्लांट और मशीनरी डेबिट हो रही है 40,000 से। बैंक में आए हैं हमारे पास 20,000 रुपए। टू सेंडरी क्रेडिटर्स हमारे पास आए हैं 20,000। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम कर रहे हैं और हमें पता है कि हमने वाई लिमिटेड को कितने रुपए देने हैं टोटल। क्वेश्चन में हमें गिवन है, हम उन्हें कर रहे हैं 1,00,000 रुपए की पेमेंट। चेक करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ रही है या नहीं। 50, 40, 90, 1,30,000 डेबिट में है और 1,20,000 जो है वो क्रेडिट में है। तो हमें 1,30,000 की असेट्स मिली टोटल पेमेंट 1,20,000 की करने के बाद। तो 10,000 रुपए हमारे लिए प्रॉफिट है। ऐसा प्रॉफिट कभी कभी होता है यानी कैपिटल गेन है। तो दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और सेकंड जर्नल एंट्री में हम सीधा वाई लिमिटेड को उनकी पेमेंट कर देंगे। पार पे कर रहे हैं तो 2.8% डिबेंचर्स 1,00,000 रुपए 1,00,000। किसी को कोई डाउट? दूसरे में हमारे डिबेंचर्स हमारे पास सेकंड में थे कि डेटर्स आए हैं हमारे पास 20,000। लैंड बिल्डिंग डेबिट हुआ था 50,000 से। प्लांट और मशीनरी हुए थे 40,000 से। टू सेंडरी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स थे आई गेस 30,000। और वाई लिमिटेड को हमने देने 1,00,000 रुपए। इधर का टोटल आ रहा है 1,30,000, ऊपर का आ रहा है 1,10,000, यानी 20,000 रुपए और डेबिट होंगे। दैट मींस ये 20,000 जो है इन लोगों की मार्केट में गुडविल है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से। सेकेंड जर्नल एंट्री सेम रहेगी। सो कंसिडरेशन अदर देन कैश की जो दो टाइप्स हैं उसमें से पहली टाइप के अंदर जो वेरिएशन होती है बेटा वो फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री कॉमन होती थी और सेकेंड एंट्री के अंदर जो है वेरिएशन आती थी कि अगर हमने पार पे किया है, प्रीमियम पे किया है या डिस्काउंट पे। जो दूसरी टाइप है उसके अंदर वेरिएशन जो है वो फर्स्ट एंट्री में होती है और सेकेंड एंट्री सेम रहती है। किसी को कोई डाउट? नो सर। सोहा आपको बेटा?
अभी ये जितना भी मैंने आपको आज ये टॉपिक करवाया है, इन सारे क्वेश्चंस के इलस्ट्रेशंस और अनसॉल्व्ड बुक में से आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास तक अटेम्प्ट करके देने हैं। आज की लास्ट टाइप हम कर रहे हैं विच इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है इसकी तीन जर्नल एंट्रीज होती है। पहली होती है ड्यू करने की, दूसरी होती है पेमेंट करने की, और तीसरी होती है ट्रांसफर करने की। सबसे पहली चीज यहां पे समझने वाली है कि ये इंटरेस्ट जो है डिबेंचर पे हम लेते हैं या देते हैं, आप लोगों के हिसाब से बेटा। अमन क्या कहता है? देवांश सर, अगर डिबेंचर हम खरीदते हैं तो फिर इंटरेस्ट इशू ऑफ डिबेंचर है बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर है, बेचे हमने डिबेंचर। ओ सॉरी, इशू ऑफ डिबेंचर तो सर देना पड़ेगा इंटरेस्ट तो। ठीक है हिमांशु सर, इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है मेहर सर, देंगे। सही जवाब बेटा। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, हम जब डिबेंचर बेच रहे हैं बेसिकली हम लोग लोन ले रहे हैं, तो जब आप किसी से लोन लेते हो तो आप इंटरेस्ट जो हो वो देते हो। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, दैट मींस वो डेबिट में आएगा हमेशा। अब ये इंटरेस्ट दिया किसको जाता है? किसी भी नॉर्मल पर्सन को दे देंगे या कुछ स्पेसिफिक लोगों को देंगे? स्पेसिफिक लोगों को देंगे। किस आदमी को देंगे और किसको नहीं देंगे? कैसे पता चलेगा हमने किसको इंटरेस्ट देना है और किसको नहीं देना? सर्टिफिकेट से। देखो इंटरेस्ट सिंपली उसे दिया जाएगा जिसने हमारी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं। बेसिकली जो डिबेंचर होल्डर है उसी को इंटरेस्ट दोगे, नॉर्मल किसी भी पर्सन को नहीं कह दोगे कि लो भाई अपना इंटरेस्ट लो। इंटरेस्ट किसको दिया जाता है? डिबेंचर होल्डर्स को। जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। तो जब आप ड्यू करते हो तो इसकी जर्नल एंट्री होती है, सिंस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो गया। और हमने ये ड्यू किया यानी पेमेंट अभी नहीं हुई, पैसे देने हैं किसको? डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर हमारे लिए लायबिलिटी बन जाते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, पहली जर्नल एंट्री। देन जब आप इन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दोगे तो आपकी जो लायबिलिटी थी वो खत्म हो गई, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड टू, आपके पास से पैसे चले गए, बैंक असेट है कम हो गया तो क्रेडिट। तीसरा होता है ट्रांसफर या पोस्टिंग फाइनल अकाउंट्स में। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है सिंस ये एक्सपेंस है तो इसे दिखाया जाता है P&L अकाउंट के डेबिट साइड। So statement of P&L account debited to interest on debentures account. ये तीन जर्नल एंट्रीज होती हैं, जब आप इनके questions book में देखोगे तो आपको काफी easily clear हो जाएंगे। आज जितने भी हमने टॉपिक किए हैं इन सभी टॉपिक्स को देखना है, इससे एक्स्ट्रा कोई टॉपिक अभी आपने बुक में से गो थ्रू नहीं करना। इन सारे टॉपिक्स के इलस्ट्रेशंस और अनसॉल्व नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप लोगों के पास होमवर्क है।